Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, Nisha Sharma. कैसे हैं आप और कैसे चल रही है पढ़ाई? I think both are going good. So guys, एक बहुत 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 बड़ा notification है, आया नहीं है लेकिन आने वाला है, और आपके बहुत सारी confusion है मैम, होगा पेपर नहीं होगा like, तो उस चीज़ को तो मैं लेकिन अभी नहीं कह सकती कब होगा, लेकिन कन्फर्म है कि इस साल ये वैकेंसी ज़रूर होगी, क्योंकि अभी अभी ये कैंसिल हुई है तो डेफिनेटली इसको दोबारा करवाया जाएगा. तो मैं बात कर रही हूँ भाई TCT इंग्लिश के बारे में, ठीक है. मैं बात कर रही हूँ TCT इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में. जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मुझे पता है, आई फील एंड स्टूडेंट्स आल्सो फील, जिनका सिलेक्शन हो गया था, और ये भर्ती रद्द करना बेहद गलत था. लेकिन आपको पता है जो हुआ हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. अब आगे ये कन्फर्म है, जैसे संस्कृत की रद्द हुई, संस्कृत की भर्ती निकाली तो इसको भी निकालेगा, और इसको निकालेगा तो आपको एक बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है. सीधी सी बात ये है कुल मिला के. अब ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं TCT इंग्लिश स्क्रीनिंग के एग्जाम में क्या आएगा, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा. मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी. भर कौन सकते हैं, सबको पता है, जो बीएड हैं, मतलब बीए बीएड हैं, और आपके पास इंग्लिश तीनों सालों में होनी चाहिए, आपके बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, आपका HTET जो है 6 to 8 वाला इंग्लिश लैंग्वेज टीचर में क्वालिफाई होना चाहिए. इलेक्टिव इंग्लिश का जो इशू है उस पर हम अभी कुछ भी शोर नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भर्ती कैंसिल हुआ इसी बात पे इशू उठा था कि हरियाणा में तो कंपलसरी इंग्लिश होती है, तो इसको नोटिफिकेशन आने के बाद ही देखेंगे. बट आई थिंक अब क्योर कंपलसरी वालों को अलाउड करेंगे, क्योंकि यही रीज़न बना था पीछे मतलब भर्ती को कैंसिल करवाने का, क्योंकि इलेक्टिव इंग्लिश हरियाणा वालों के पास नहीं होती है, ठीक है. तो मे भी सबको अलाउड कर दिया जाए, अपने सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए और ऑल ओवर तो होने ही होने चाहिए, ठीक है. तो TCT इंग्लिश स्क्रीनिंग को यदि हम बात करें तो 2 parts में डिवाइड करके आपका एग्ज़ाम आएगा. आपका जो एग्ज़ाम होगा भाई वो 90 marks का होगा, ठीक है. आपका एग्ज़ाम होगा 90 marks, मतलब 90 questions होंगे. अब वो इस 90 marks को 180 marks भी कर सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उस टाइम. जैसे 100 पिछली बार 80 नंबर का आया था तो 160 नंबर का पेपर कर दिया था, तो कहने का मतलब वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, 90 questions को 1 question को 2 number का करके 180 marks का भी कर सकता है. बट आप इस चीज़ को अभी भूल जाओ, वो 80 का दे 90 का दे, बट 90 नंबर का देगा, आपको तैयारी करना है, ठीक है. 10 marks जो मिलेंगे वो सोशियो कल्चर, जो EWS है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो डिटेल नोटिफिकेशन में समझा देंगे. तो इन सब के आधार पे आपका क्वेश्चन होएगा. अभी हमारा टारगेट है इन 90 marks की बात कर लेते हैं. 90 means ये 180 भी हो सकते हैं यदि 2 number का 1 question देगा तो, बट हम क्या है 90 questions की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स का होने वाला है, जो 2 sections के अंदर जो है बेसिकली आपका डिवाइड होगा. इसमें एक सेक्शन तो होगा आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक, एक सेक्शन होगा आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक, मीन्स एक ही पेपर होगा, उसके अंदर जो 30 questions होंगे, जो 30 questions होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे. सब्जेक्ट मीन्स वो आपके इंग्लिश के रहेंगे. इंग्लिश का मतलब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश वोकेबलरी, वट एवर. तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर गिवन होएगा फुल फ्लैश. जो पिछली बार 30 questions आए थे मेवात कैडर में भी पूरे, और इसके अंदर भी हरियाणा वाले में भी 25 के अराउंड क्वेश्चन फुल फ्लैश लिटरेचर से उठे हुए थे, और जो 5 questions थे वो वोकेबलरी सेक्शन से उठाए हुए थे, ठीक है, वोकेब या ग्रामेटिकल सेक्शन से. मेवात में तो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रखे थे, जैसे फ्रेजल वर्ब से भी उठा रखे थे किसी किसी चीज़ से, बट कहने का मतलब लिटरेचर डोमिनेट था, ठीक है. तो यहाँ पर 25 के अराउंड क्वेश्चंस लिटरेचर के आ जाएंगे, 5 questions आपको वोकेबलरी से भी आ सकते हैं, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते एग्जामिनर किस मूड से बैठा है. कहने का मतलब जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक को कर रहे हो ना, अपने माइंड में सेट रखो, आप यहाँ पर इंग्लिश का लिटरेचर भी करोगे, आप यहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर भी करेंगे, आप यहाँ पर इंग्लिश का वोकेबलरी सेक्शन भी करेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी इंग्लिश है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है. TCT इंग्लिश है, PGT इंग्लिश होता तो 30 के 30 लिटरेचर आता और नेट लेवल का आता, ठीक है. बट यहाँ TCT इंग्लिश है तो डेफिनेटली उसकी मर्जी, वो ग्रामर को भी ऐड कर सकता है, वोकेबलरी के क्वेश्चन भी ऐड कर सकता है, और उसका मूड बने तो वो पैडागोजी के क्वेश्चन भी ऐड कर सकता है. मीन्स आपको तैयारी पूरी करनी है, तैयारी में कसर नहीं छोड़ना सिलेक्शन लेना है तो, बट फोकस रहेगा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, ठीक है. इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर बहुत हाई लेवल का भी नहीं आता और बहुत लो लेवल का भी नहीं आता, लेकिन जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है दे कैन मैनेज. जो न्यू है तो उनको सीखना ही पड़ेगा. यहाँ पर फुल फ्लैश आपका ब्रिटिश जो लिटरेचर है, जैसे इंग्लिश में हम करते हैं ना, तो इंग्लिश में ब्रिटिश लिटरेचर होता है सबसे मेन जो डोमिनेटिंग होता है, जिसमें ब्रिटिश लिटरेचर में कुछ एजेस होते हैं जो मैंने करवा रखा है, बिकॉज माय मेन सब्जेक्ट इज इंग्लिश, आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश.
तो ब्रिटिश लिटरेचर होता है यहाँ पर, बेसिकली ब्रिटिश लिटरेचर में पूरा एंग्लो सैक्सन एज है, फिर आपका शेक्सपियर टू चोसर एज है, फिर जैसे आपका जैकोबियन एज आ गया, फिर आपका अनलाइटमेंट एज के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, रोमांटिक एज एंड आफ्टर दैट विक्टोरियन एज पे क्वेश्चन आ जाएंगे, मॉडर्न एज पे, पोस्ट मॉडर्न एज पे, मतलब इंग्लिश लिटरेचर की एजेस से क्वेश्चन जरूर डालेगा, ठीक है। और उसके बाद इंडियन राइटिंग से क्वेश्चन जरूर डालेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम होता है इंडियन राइटिंग से क्वेश्चन जरूर डालता है, तो इंडियन राइटिंग से क्वेश्चन जरूर डालेगा। अमेरिकन राइटिंग पे मुझे नहीं लगता पहुंचेगा, लेकिन एक क्वेश्चन में पहुंचा हुआ था पिछली बार, थोड़ा बहुत अमेरिकन राइटिंग को एक आधे राइटर को देख सकते हैं जो मेन मेन होता है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये भी कर लोगे ना आप लिटरेचर में तो भी बहुत भला हो जाएगा आपका, ठीक है, अच्छे वाले तरीके से। लेकिन सब टाइटल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है, TZT की मैं बात करूँ तो सब टाइटल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्क से तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। और जैसे ये लिटरेरी फॉर्म्स है, लिटरेरी फॉर्म्स होता है मीटर वीटर ये वो सब कुछ, तो लिटरेरी फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे। देखो मेरा एक पढ़ने और पढ़ाने का एक तरीका होता है कि लोग कहते हैं मैडम सिलेबस में 6 टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 100% पढ़ो। क्यों? एग्जामिनर किस मूड से पेपर बनाने बैठा हमें नहीं पता, सिलेबस में मेंशन होने के बावजूद भी वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स देता है। तो मैं तो अपने सिलेबस के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर 0 से 100% पढ़ाने में यकीन करती हूँ। कुछ भी आए, बच्चा एक पेपर दे रहा दूसरा भी दे तो एटलीस्ट उसका क्लियर हो जाए। तो पहला सेक्शन तो आपका ये रहेगा, फिर जो आपका मतलब ये दूसरा सेक्शन रहेगा पेपर का, और पहला जो आपका सेक्शन रहेगा उसके अंदर सब कुछ मिक्स आएगा। उसके अंदर आपको हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके अंदर आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके अंदर आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें आपको द डोमिनेटिंग हरियाणा GK के क्वेश्चन भी आएंगे, और उसमें आपको GS या एक आधा करंट अफेयर का क्वेश्चन भी डाल देगा। GS मीन्स जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आएगा, जियो से भी, पॉलिटी से भी, इकोनॉमिक्स से रेयर क्वेश्चन देखने को मिला है स्क्रीनिंग के एग्जाम में, रेयर, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन मिले हैं, साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका ये एक्स्ट्रा सेक्शन है, अब इन एक्स्ट्रा सेक्शन की कोई विटेज नहीं है, ये 60 मार्क्स है। इन 60 मार्क्स को राइटर ने डिफाइन नहीं कर रखा, हाँ इन 60 में से 20-21 के अराउंड क्वेश्चन ले जाओ हरियाणा GK से, तो 20 क्वेश्चंस भी आपके हरियाणा GK से निकल जाएंगे, 20-18 भी दे सकता है, 21 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, लेकिन आप 18 से 22 क्वेश्चन की वेटेज मान के चलो हरियाणा GK से रिलेटेड आपकी आ जाएगी। आफ्टर डैट जो 40 नंबर है, बच्चों को लगता है 40 ही बचे, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है माई डियर, एक नंबर मायने रखता है, 40 तो बहुत ज़्यादा है, 40 नंबर में ये सभी चीज़ें आएंगी, कम नहीं होता। हिंदी है बिल्कुल बेसिक ग्रामर होती है, अच्छे से पढ़ लो। हिंदी का तो एवरेज मैंने हमेशा देखा स्क्रीनिंग में 7 क्वेश्चंस के अराउंड रहता है, 7 क्वेश्चन मायने रखते हैं अच्छे तरीके से आपके हो जाते हैं। इंग्लिश आप ये वाला कोर्स पढ़ते हो तो ये तो अपने आप हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर आता है लेकिन अच्छे तरीके से आप करें कंप्यूटर्स को, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता होती है, एक ओवरव्यू आप ले लो। तो कहने का मतलब ये सारा ऐसे मिक्स मैच होकर आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात रहती है कट ऑफ की, अब भाई कट ऑफ टाइमली चेंज होती रहती है। पिछली बार स्टार्टिंग में जब लिस्ट आई थी जो जनरल की कट ऑफ 108 पे गई थी पहली बार, फिर 102 पे गई थी और लास्ट में 93 पे भी चली गई थी, 94 या 98 के आसपास। तो कहने का मतलब ये मत सोचो, 108 कट ऑफ का मतलब क्या है कि आपके 5 और 54 के अराउंड क्वेश्चन ठीक, लेकिन ये 2015 की कहानी है मेरे बच्चे, ये 2015 में पेपर हुआ था, इसको काटा मार दो कि अब भी आपके 90 में से 54 क्वेश्चन ठीक होंगे तो आप कट ऑफ में आ जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए पहली बार थी, लिटरेचर नहीं पढ़ा था, चीज़ें श्योर नहीं थी क्या आएगी, लेकिन अब आप ये मत सोचना कि 54 क्वेश्चन ठीक करके आप मेरिट में आ जाओगे, ये नौकरी है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 70 अबव आपके क्वेश्चन, मैं तो कहती हूँ कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया 75 लोगे तो सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। तो 90 में से जितने मैक्सिमम मार्क्स आप ले सको, जितने मैक्सिमम आप मार्क्स ले सको उतना आप सिलेक्शन के पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन निर्धारित है आपका इसके आधार पे। कईयों को तो 10 नंबर किसी घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, कईयों को ये फ्री के भी मिल जाते हैं, कई वैसे सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं आपको पता है, लेकिन खैर आजकल फेक तो कुछ नहीं चलता, बट यहाँ जो बच्चा स्टैंड करेगा ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ये आपकी मेहनत है और ये नंबर क्लियर दिखते हैं और इन्हीं नंबरों से सही मायने में सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के ऊपर डाउट्स चल रहे हैं, पहले तो इंटरव्यू होता था, अब शायद इंटरव्यू भी ना हो, तो आपको मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे, एग्जाम को घोट के पी डालो। मैं कह रही हूँ सिलेक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और वैकेंसीज आई होप बहुत जल्द आने वाली हैं, ठीक है। मुझे कोई पक्की सरकार से खबर नहीं है बट IQ कहता है ऐसा, ठीक है।
ठीक है भाई। और 2015 वाली भर्ती में मैं भी थी। खैर कोई बात नहीं, टाइम सिचुएशंस चेंज होते हैं, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ बिकॉज आई एम हैप्पी विद दिस फील्ड। तो हाँ, अब दूसरी वाली बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ठीक है भाई, तो ये था ऑल ओवर सिलेबस। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके डाउट्स को दूर करने में। और ये कंप्लीट कोर्स, यदि आपको इसके कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल है अचीवर एकेडमी ऐप, मेरा अपना अचीवर एकेडमी ऐप है, चैनल का जो लोगो है वही ऐप का लोगो है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जब आप पेड कोर्स में जाओगे तो आपको लिखा मिलेगा TZT English Screening Exam। उसके अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा, उसके अंदर लिटरेचर भी मिलेगा, उसके अंदर वोकेबलरी भी मिलेगी, उसके अंदर ग्रामर भी मिलेगी और बाकी सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, इवन कंप्यूटर्स तक मिलेगा, एडवांस मैथ तक भी मिलेगा। आपको ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसके बाद यदि अपने एस्टेट के एग्जाम की भी तैयारी करो, मतलब एस्टेट तो खैर क्लियर ही होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जैसे PGT एस्टेट या किसी और एग्जाम्स की भी तैयारी करेगी, तो ये कोर्स आपको कुल मिला के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर कंप्लीट HSSC तो ऑटोमेटिक आ जाता है, जो HSSC का कोर्स होता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर आपको एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है, ठीक है, ये आपके लिए ही बनाया गया है। पहले मेरे दो कोर्स बिल्कुल अलग अलग थे, बट TZT इंग्लिश स्क्रीनिंग को देखते हुए मैंने इनको कंबाइन करवा दिया है। और जो खाली इंग्लिश लिखा होगा PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग, वो डीप है, उसमें वर्ल्ड लिटरेचर भी है, उसमें क्रिटिसिज्म वगैरह, उसमें तो बहुत डीप चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये कोर्स भी ले सकते हो भाई। कोई भी किसी किस्म की इंक्वायरी है तो आप फोन भी कर सकते हो 7015467794, ठीक है। और डेमोज के लिए आप मेरे ही चैनल की यूट्यूब की प्लेलिस्ट है डेमो वीडियोज़ के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर की भी बहुत वीडियोज़ हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। पहली बार चैनल से जुड़े हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल डेडिकेटेड है स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स के लिए और आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, नई वीडियोस का अपडेट मिलेगा। सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ये एग्जाम कैंसिल हुआ है या जिनको आगे देना है, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू।